आइए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हुए अगले शायर से मुलाकात कराता हूं। मेरे उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। यह है आज के अहद की एक कड़वी सच्चाई। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। आइए हमारे अहद की इस कड़वी सच्चाई को अपना मौजू बनाने के लिए और आज के अहद की इसी तरह की बहुत सारी कड़वी सच्चाइयों को अपनी गजल और अपनी नज्म में समेटने के लिए मैं जनाब नदीम अब्बासी साहब को, जो गोरखपुर से तशरीफ लाए हैं, मैं उन्हें इस वक्त माइक पर आवाज दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नदीम अब्बासी अपने नज्म की शायरी, अपने गजल के और अपने कतात की वजह से बहुत नाम है। आप उन्हें भरपूर तवज्जो के साथ सुनिए। आपके अपने जज्बात शेर बनकर आपके खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजिजी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। आइए एक ऐसे नौजवान से मुलाकात करें जिसकी उम्र तो महबूब के जुल्फों के पेचोखम निकालने की है, लेकिन इस उम्र में भी वह आज के अहद की सच्चाइयों पर सच्चाइयों को अपनी गजल में समेटने पर मजबूर हो गया है। मैं जनाब कलीम तारिक को आवाज दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने कलाम से नवाजें। एक मतला दो शेर पढ़ता हूं और आप सबकी शिरकत चाहता हूं। सदर मोहतरम की इजाजत के साथ हाजिर करता हूं, समाप्त करें। जो शाख पर है वो झूला उतर भी सकता है। समाप्त करें फजल। जो शाख पर है वो झूला उतर भी सकता है। जो शाख पर है वो झूला उतर भी सकता है। जो शाख पर है उतर भी सकता है। जो शाख पर है वो झूला उतर भी सकता है। तेरे बगैर ये सावन गुजर भी सकता है। तेरे बगैर ये सावन गुजर भी सकता है। और शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। इरशाद। तुझे फजाओं में उड़ना सिखाया है जिसने। तुझे फजाओं में उड़ना सिखाया है जिसने। तुझे फजाओं में उड़ना सिखाया है जिसने। सिखाया है जिसने। वो शख्स तेरे पैरों को कतर भी सकता है। वो शख्स तेरे पैरों को कतर भी सकता है। वाह वाह वाह। एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। बहुत अच्छा मशारा आप हजरात समाप्त कर रहे हैं। आपकी समातों को सलाम करता हूँ, मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। जी भाई इरशाद। तू जो कहे दे तेरी तकदीर भी बन सकता हूँ, बन सकता हूँ। तू जो कहे दे तेरी तकदीर भी बन सकता हूँ। तू जो कहे दे तेरी तकदीर भी बन सकता हूँ। ए गजल तेरे लिए मीर भी बन सकता हूँ।
बन सकता हूँ, गजल तेरे लिए मीर भी बन सकता हूँ, बन सकता हूँ। उड़ने वाले तू मुझे देख के हंसता क्यों है, उड़ने वाले हंसता क्यों है, उड़ने वाले तू मुझे देख के हंसता क्यों है, उड़ने वाले तू मुझे देख के हंसता क्यों है, मैं तेरे पांव की जंजीर भी बन सकता हूँ, बन सकता हूँ। जब तारे चमकते हैं, जब चांद निकलता है, जब तारे चमकते हैं, जब चांद निकलता है, जब तारे चमकते हैं और चांद निकलता है, जब तारे चमकते हैं और चांद निकलता है, दिल तेरी ही यादों में रह रह के मचलता है, दिल तेरी ही यादों में रह रह के मचलता है। खासतौर से नौजवान दोस्तों की तवज्जो चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। जो तुम न बुरा मानो एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम न बुरा मानो एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम न बुरा मानो एक बात कहूँ तुमसे, जो तुम न बुरा मानो एक बात कहूँ तुमसे, जब मिलते हो गैरों से दिल को मेरे खलता है, जब मिलते हो गैरों से दिल को मेरे खलता है।